जीवन मंत्रा योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिससे आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरोग। दोस्तों, जीवन मंत्रा को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जीवन मंत्रा के जो नुस्खे और तरीके होते हैं वो एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं। इसलिए चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आप पाइए घर बैठे, वो भी फ्री में। दोस्तों, वैसे तो बबूल का हर भाग, पत्तियां, फूल, छाल और फली सभी औषधियां माने जाते हैं, लेकिन आज हम आपको बबूल की फली के फायदे बताएंगे। तो जान लेते हैं बबूल की फली के फायदे विस्तार से। सबसे पहले ये अतिसार में बहुत ही कारगर होती है। अतिसार में आप क्या करेंगे देख लीजिए, बबूल की दो फलियां खाकर ऊपर से छाछ यानी कि मट्ठा पीने से आपका जो दस्त और अतिसार है उसमें बेहद फायदा मिलता है। अगर हड्डी टूट गई है तो उसमें ये कैसे कारगर होगी जरा देख लीजिए। बबूल के बीजों को पीस कर 3 दिन तक शहद के साथ लेने से जो हड्डी टूटने की समस्या है वो ठीक हो जाती है, हड्डियाँ जुड़ जाती हैं और हड्डियाँ ऐसे जुड़ती हैं जैसे कभी टूटी ही ना हो। इसके साथ ही आपको क्या करना है, बबूल की फलियों का चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम नियमित रूप से सेवन करना है, इससे भी हड्डियाँ जल्दी जुड़ जाती हैं। रक्त के बहने पर यानी कि आपका खून ज़्यादा बह रहा है तब आपको क्या करना है, बबूल की फलियां आम के बौर और मोचरस के पेड़ की छाल और लिसोड़े के बीज को एक साथ पीस लें और इस मिश्रण को दूध के साथ मिलाकर पीने से खून बहना बंद हो जाता है। दांत में अगर दर्द है तो बबूल की फली के छिलके और बादाम के छिलके की राख में नमक मिलाकर मंजन करने से दांत का दर्द दूर हो जाता है। शारीरिक शक्ति और किसी भी तरह की अगर कमजोरी है तो बबूल की फलियों को छाया में सुखा लें और बराबर की मात्रा में मिश्री मिलाकर पीस लें। इसे 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम नियमित रूप से पानी के साथ सेवन करने से शारीरिक शक्ति में इजाफा होता है और कमजोरी दूर हो जाती है। अगर पेशाब ज़्यादा आता है, जल्दी जल्दी आता है तो क्या करना है, बबूल की कच्ची फली को छाया में सुखाकर उसे घी में तलकर पाउडर बना लें। इस पाउडर की 3-3 ग्राम मात्रा का रोजाना सेवन करें, आपके पेशाब का ज्यादा आना बंद हो जाएगा। जीवन मंत्रा में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।